बॉर्डर पार से अगर कोई गुस्ताखी हुई तो बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब एलओसी पर घातक स्नाइपर्स की तैनाती हो गई है जो घुसपैठियों का काल बनने वाले हैं। एलओसी पर तैनात घातक स्नाइपर्स की तैनाती। पाकिस्तान में ही ढेर हो जाएंगे आतंकी। रात के अंधेरे में भी धोखा नहीं दे पाएगा दुश्मन। भारतीय सेना के ये जवान बाज से भी तेज नजर रखते हैं। ये रात के अंधेरे में भी दुश्मन को देख सकते हैं और दुश्मन को अपनी मान से निकलते ही ढेर कर सकते हैं। ये भारतीय जवान के घातक स्नाइपर्स जिनकी मारक क्षमता अब कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इन्हें अत्याधुनिक तकनीक वाली हाईटेक सर्विलांस डिवाइस से लैस किया गया है, जिसके जरिए से रात के अंधेरे में भी 500 मीटर से 1500 मीटर दूर तक आसानी से देख सकते हैं और दुश्मन के मान से निकलते ही उन्हें ढेर कर सकते हैं। सर, ये सर्विलेंस इक्विपमेंट है, इसके इसकी सहायता से हम रात को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दुश्मन की एक्टिविटी का नोट कर सकते हैं। सर, इससे इससे साफ दिखाई देता है आगे के 400-500 मीटर तक हम दुश्मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर, तो कितने देर तक आप स्टैंड पर रह सकते हो? हम इससे सर 2 घंटे के लिए मैं देखता हूँ, 2 घंटे के लिए मेरा बड्डी देखता है, हर पूरे 24 घंटे नजर रखते हैं दुश्मन के ऊपर। इस मौसम में सर हम लगभग ज्यादा बेहतर घंटे के लिए बाहर निकले हुए हैं। सर, इन घातक स्नाइपर्स को बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर तैनात किया गया है, जहां जंगल में मोर्चा थामकर ये हर वक्त बॉर्डर पार पाकिस्तान की तरफ नजर जमाए रखते हैं, ताकि इधर कोई परिंदा भी पर न मार सके। एक मोर्चे पर एक साथ दो जवानों को 72 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है, जो बारी बारी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं और हर गतिविधि की जानकारी कमांड सेंटर को भेजते रहते हैं। सर, हम 72 घंटे तक जंगल में रहते हैं और दुश्मन के ऊपर निगरानी करते हैं, और जो भी दुश्मन की एक्टिविटी होती है वो अपने कमांडर को फॉरवर्ड करते हैं, और इस सर्दी के इलाके में बहुत ही हार्ड होता है 72 घंटे बाहर। ये साहब, ये DSR है साहब, इससे साहब 1300-1400 मीटर तक कर सकते हैं। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो भी रूट है उन पे सभी पे हमने स्नाइपर तैनात किए हुए हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाईटेक हथियारों, कैमरों और सर्विलांस डिवाइस से लैस सेना की एक टुकड़ी दिन रात एलओसी पर पेट्रोलिंग करती रहती है। ये जवान पहले ही दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, मगर अत्याधुनिक हथियारों से इनकी क्षमता और ज्यादा मारक और घातक हो गई है। इस प्रकार से समय बदल रहा है, उसी प्रकार से भारतीय सेना में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है। नए वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी आने से हमारे जवानों को रात को गश्त करने में और दिन में ड्यूटी देने में बहुत आसानी होती है, और वह अपने इलाके को चारों तरफ से हर तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता कि दुश्मन इस इलाके से आ सकता है, वह हर तरह का सर्विलेंस कर सकता है और AI बेस्ड इक्विपमेंट की मदद से उसको जवाब दे सकता है। आधुनिक तकनीक वाले हथियारों से देश के जवानों की ताकत बढ़ी है, जिससे दुश्मन की तरफ से घुसपैठ की हर साजिश शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात ये कि इन साजिशों को नेस्त नाबूद करने के लिए ये जवान -60 डिग्री टेम्परेचर भी अपनी पलके कभी नहीं झपकते।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।